अब आते हैं कि बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन है, जैसे ऑन 1st अप्रैल 2014 विवेक लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 50 ईच। द कंपनी इशूड प्रॉस्पेक्टस इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,80,000 शेयर। द इशू प्राइस वॉज पेबल एज अंडर ऑन एप्लीकेशन रुपीज 15, ऑन अलॉटमेंट रुपीज 20, ऑन कॉल बैलेंस अमाउंट। ओके, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड द कंपनी अलॉटेड शेयर टू ऑल द एप्लीकेंट्स। द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल मेक द कॉल during the year, so the following. First, share capital in the balance sheet of the company as per the schedule 3rd part 1 of the company act 2013 and also prepare notes to account for the same. अब देखिए इसमें था क्या, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कंपनी के पास टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल कितने रुपीस का है, 1 करोड़ का। ओके, तो जब हम लोग ऑथराइज कैपिटल की बात करते हैं तो हम लोगों ने अभी बात किया जैसे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट की यहाँ पे जब भी हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में अमाउंट आने के पहले कहाँ पे आती है वो, उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, ऑथराइज कैपिटल पे। ठीक है, अब ऑथराइज कैपिटल की कंडीशन में क्या करिए कंपनी की, कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 2 लाख शेयर। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा क्या, 2 लाख, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 लाख, 2 लाख इक्विटी शेयर है ऑफ रुपीस, कितने रुपीस का यहाँ पे है, रुपीस कितना होता है, 50 रुपीस, यानी इसकी जो रुपीस थी इसकी कितने की थी, ये 50 रुपीस ईच का था, रुपीस 50 ईच। ठीक है, ये 50 रुपए ईच का है, कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर है नहीं तो प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड कोई बात ही नहीं होगी। तो यहाँ पे कितने का हो गया, ये जो अमाउंट है ये कितने का आ गया, टोटल कितना बता दी, 1 करोड़। तो ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिखा 1 करोड़। ओके, ये ऑथराइज कैपिटल हो गए, यानी कंपनी ऑथराइज है कि कितने शेयर इशू कर सकती है, कंपनी 2 लाख शेयर को इशू कर सकती है और एक शेयर की प्राइस कितने की है उसकी कंपनी के, 50 रुपीस ईच का है, एंड ऑफ। अब देखिए अब कंपनी कर क्या रही है, इशू कर रही है, तो इशू कर रही है कंपनी ने क्या कहा क्वेश्चन में कि कंपनी ने ऑफर कितना किया है, इशू द प्रोस्पेक्टस इनवाइट कितना किया हुआ है, 1,80,000 शेयर, यानी कंपनी के पास टोटल कितने शेयर का ऑफर कर रही है, 1,80,000। तो यहां पे इशू कैपिटल में 1,80,000, ठीक है, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 50 ईच। ठीक है, कंपनी ने 1,80,000 इक्विटी शेयर को ऑफर किया हुआ है तो कितने रुपीज में किया हुआ है, 50 रुपीज ईच में, यानी 1,80,000 इंटू 50 किया तो कितना आ गया वहां पे, 90 लाख। गुड, अब देखिए यहां पे आया 90 लाख, यानी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर नहीं था तो टोटल यहां पे हुआ 90 लाख। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने ऑफर किया हुआ है, अब देखो 15 रुपीज एप्लीकेशन का है, 20 ऑन अलॉटमेंट का है एंड बैलेंस किसका है, कॉल का, यानी 50 में से अगर एक रफली हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, रफ के हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाए कि रफली की कंपनी के पास कितने का था, एक शेयर 50 का था, कंपनी ने ऑफर कितना किया था, 15 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कितना था कंपनी का, 15, अलॉटमेंट कितने का था, 20 का, अभी भी रिमेनिंग ये कितने हो गए, 35 हो गए, अभी भी रिमेनिंग कितना है यहाँ पे कंपनी का, 15 है, कंपनी ने इस 50 रुपीज से अब तक कॉल नहीं किया हुआ। ओके, जब कंपनी ने कॉल नहीं किया हुआ है तो कंपनी की जो टोटल अमाउंट आई तो वो कितने का रिमेनिंग, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल हो गया वो 15 रुपीज का, एंड आउट। अब देखिए कंपनी ने ऑफर किया था कितना, यहाँ पे देखो द इशू वॉज द फुली सब्सक्राइब एंड द कंपनी अलॉटेड शेयर टू ऑल द एप्लीकेंट्स, द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल, यानी कंपनी ने कॉल नहीं मांगी, कॉल की मतलब जो 15 रुपए का जो कॉल निकाला था वो कंपनी ने मांगा नहीं, तो कंपनी ने मांगा कितना है, ठीक है, तो अब यानी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में तो नहीं आएगा क्योंकि सब्सक्राइब कंपनी ने पूरे का पूरा
फुली पेड अप कॉल अप नहीं किया था, तो इसमें की कंडीशन में ये तो डैश हो गई आपकी। अब इसमें आता है ये हेड कहाँ पे आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ठीक है। तो कंपनी के पास कितने रुपीज का शेयर, कितना शेयर था, 180,000 इक्विटी शेयर, शेयर्स ₹50 each, इतने का तो शेयर था, लेकिन कंपनी मांगा कितना है, कंपनी रुपीस कितने रुपीस का कॉल किया है, ₹35 किसका, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, ओके, पर शेयर कॉल लो, यानी जब कंपनी ने कॉल किया तो पर शेयर कितना कॉल किया, यानी 180,000 × 35 कितना कॉल किया, 63 लाख, ओके। और कहीं तो कोई डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ है नहीं, अदर ने भी कुछ है नहीं, तो टोटल अमाउंट जो इतनी यहां पे आएगी वो कितनी आएगी, वो 63 लाख। अब देखो 63 लाख रुपीज यहाँ पे आ गई आपकी। आप इसी अमाउंट को कहां पे शो करेंगे, इस अमाउंट को कहां पे शो किया जाएगा, बैलेंस शीट में किस जगह पे शो करेंगे, फिगर एज एट द एंड ऑफ द करंट ईयर में, यहाँ पे शेयर कैपिटल में, क्योंकि फर्स्ट हेड का था तो यहाँ पे शो किया कितना, 63 लाख। ओके एंड ऑफ, फिर से हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या था। कंपनी कह रही थी कि कंपनी के पास जो ऑथराइज कैपिटल है, वो कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ ऑथराइज कैपिटल कितना था, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल 50 रुपीज थी, यानी 2 लाख। अगर इसको हम लोग यहाँ पे इरेज कर देते हैं, फिर से देखते हैं, ये देखिए कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 2 लाख इक्विटी शेयर, ऑथराइज कैपिटल कितनी थी, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ₹50 each, ओके, 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 each, ठीक। अब कंपनी ने ऑफर कितना किया, इशूट कितना की है, कंपनी ने इशूट किया हुआ 1,80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 each। कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल था इसको हम लोगों ने इनटू मल्टीप्लाई किया 1 करोड़, ओके, इशू किया था तो 1,80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 each कितना आ गया, 90 लाख। अब देखो सब्सक्राइब कैपिटल, तो सब्सक्राइब कैपिटल एंड फुली पेड अप में, कंपनी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कब होती, इसमें कब आता, यानी कंपनी टोटल 50 रुपीज तक कॉल करती थी, किसमें आता वो फुली पेड अप में, ऐसी कंडीशन में यहां तो है नहीं। अब क्या है, कंपनी क्या कर रही है कि सब्सक्राइब की हुई है लेकिन बट नॉट फुली पेड अप, मैंने अभी इसके पहले डिस्कस किया था, क्योंकि सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में दो कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट कंपनी ने उतना कॉल ही नहीं किया हो, और सेकंड किसी शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया थी, यहां पे कंपनी ने कॉल अमाउंट कॉल ही नहीं किया, ठीक। तो कंपनी ने 1,80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 पर शेयर कॉल, कंपनी ने मांगा कितना है, 1,35 रुपीज के हिसाब से, तो 1,80,000 × 35 किया तो कितना आ गया यहाँ पे, 63 लाख। एंड आउट, अब बाय डायरेक्टर द्वारा, कोई डायरेक्टर से लिया नहीं गया, कोई अदर नहीं है, कोई फॉरफिटेड शेयर नहीं है, तब की कंडीशन में यहाँ पे जितनी भी अमाउंट आएगी, अब ये टोटल करके कहाँ पे लिखा, 63 लाख टोटल अमाउंट, जो अमाउंट ट्रांसफर टू बी शो इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कौन सी अमाउंट शो होगी, 63 लाख। अब यही 63 लाख कहाँ पे शो करेंगे, बैलेंस शीट में, नोट्स अकाउंट में, तो नंबर वन में ही आ गए। अब कितना अमाउंट आ रहा है करंट ईयर में, फिगर एज एट द एंड ऑफ द करंट ईयर में कितना आएगा, यहाँ पे रुपीज में 63 लाख, ओके। अब इसके बाद हम नेक्स्ट अदर एग्जाम्पल भी बात करेंगे शेयर के बैलेंस शीट का, ओके, थैंक यू।